वहीं भिलाई तीन थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित हाउसिंग बोर्ड चरोदा के एक मकान में 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के ससुराल वाले पहुंचे और 108 को कॉल कर व्यक्ति को सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। भिलाई तीन थाना क्षेत्र में अभी तक सुसाइडल मर्डर केस से पर्दा उठा भी नहीं था कि एक और लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड क्रमांक 23 निवासी सुनील शर्मा की लाश मिली है। उनके घर में ही उनका शव पाया गया है। बताया जा रहा है कि सिर में चोट लगने से युवक की मौत हुई होगी। वहीं आश्चर्य की बात यह है कि दूसरे कमरे में उनकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक तक नहीं लगी। मृतक की पत्नी रीना शर्मा का कहना है कि उनके दरवाजे का किसी ने कुंडी बाहर से बंद कर दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही भिलाई तीन पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले विवेचना शुरू कर दी। चरोदा हाउसिंग बोर्ड में 112 को सवेरे 6 बजे के करीब फ़ोन गया कि कोई घटना हो गई है। यहाँ आए तो देखे एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था, उसको उठा के ले गए सुपेला अस्पताल में, जाके उसकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ कोई अपराध घटित हुआ है, उसको चोट पहुँचाया गया है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में पूरी टीम के द्वारा FSL एक्सपर्ट के द्वारा सब मिलकर जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस प्रकरण का खुलासा हो सकता है। सर क्या लगता है घटना कितने बजे के आसपास होगी? ऐसा प्रतीत होता है घटना रात की है, कितने बजे 12 बजे के बाद ही घटना हुआ प्रतीत होता है। अब ये सब जाँच का विषय है और उसके बाद ही इस संबंध में सारी बातें जानकारी में आ पाएंगी। तो कोई बातचीत हुई पत्नी? पत्नी एक अलग कमरे में थी। अभी पूछताछ में यही जानकारी आई है कि वो कमरा बाहर से बंद कर दिया गया था। वो सब बारीकी से जांच का विषय है और पता लगेगा। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।